दही बड़े दही भल्ले, बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर और बिना मूंग दाल के रुई जैसे सॉफ्ट कैसे बनाएं, इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ली है उड़द की दाल छिलके वाली, आपके पास जो भी है उसे यूज़ कर सकते हैं। उड़द दाल को पूरी रात के लिए रख दें भीगने के लिए, पानी डालकर 4 घंटे के लिए कम से कम उड़द दाल को भिगोना है। भल्ले बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पीसना, बिना पानी डाले, ज़रूरत पड़े तो कोल्ड वाटर यानी बर्फ़ वाला पानी 2 या 4 चम्मच डालकर दरदरा पेस्ट तैयार कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसा आपको पेस्ट तैयार करना है। दाल की मात्रा ज़्यादा होने पर 2 से 3 बार में पीस लें। अब समय आ गया है दाल को फेंटने का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दाल थोड़ी सी मोटी है, इसलिए इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी मिलाएंगे और इसे थोड़ा सा पतला करेंगे। दाल बहुत ज़्यादा मोटी होने से आपके दही बड़े बहुत सख्त बनेंगे। बैटर पतला होने पर तले हुए पनीर की तरह खिंचे खिंचे से बनेंगे। दाल को एक तरफ घुमाते हुए कम से कम 10 मिनट के लिए हाथों से फेंटें। दाल को जितना फेंटेंगे उतना ही उसके अंदर एयर भरेगी और वो अपनी क्वांटिटी से दुगना होगी और उसका रंग भी उतना ही सफ़ेद होगा। यहाँ पे मैं दाल को बीटर से लो स्पीड में बीट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि दाल हमारी कितनी सफ़ेद रंग और कितनी दुगनी हो रही है। इसी तरह हमें दुगना करना है। हाथ से फेंटने में 10 मिनट लगभग और मशीन से फेंटने में 3 से 4 मिनट के लिए फेंट लेना है। दाल अच्छी तरह फिट गई है, इसके लिए 1 चम्मच दाल को पानी में डालें, ऊपर तैरने लगे तब सही से हो गई है। और दूसरा तरीका, जब दाल केक की व्हिप्ड क्रीम की तरह बर्तन को उल्टा सीधा करने पर भी ना निकले, अदरक हरी मिर्च स्वाद के लिए ज़रूर डालें। अदरक और हरी मिर्च डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब हम बनाएंगे बड़ों को भिगोने के लिए पानी। ताज़े बड़े डालने के लिए नॉर्मल पानी लें और स्टोर किए हुए बड़ों के लिए गुनगुना पानी लें। एक बड़े बर्तन में आपको 1 से 1.5 लीटर पानी डालना होगा। पानी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें हींग भी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से हिला देंगे जिससे यह पूरी तरह घुल जाए। अब करेंगे तेल को गरम। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और हम डालेंगे यहाँ पर पिसी हुई दाल का बैटर। हम देख रहे हैं कि गरम तेल में बैटर ऊपर आ रहा है, तेल हमारा तैयार है बड़े तलने के लिए। हाथ में पानी लगाकर या चम्मच से दाल को तेल में छोड़ें। इसी तरह से दाल को कढ़ाई भर जाने तक दाल को ऐसे ही बड़ों का शेप दे दें। आप बड़ों का शेप छोटा और बड़ा दोनों दे सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर बड़ों को धीरे धीरे फ्राई होने दें। तेज़ आंच में बड़े बाहर से सिकते हैं अंदर से नहीं, इसलिए धीरे धीरे उन्हें अच्छी तरह से सिकने दें। अब समय आ गया है बड़ों को पलटने का, जिससे वे अच्छी तरह से दोनों तरफ सिक जाए। हमने बैटर को इतना फेंटा था कि हमारे बड़े बिना तेल उछाले ही अच्छी तरह से फूल रहे हैं। जब एक बार बड़े अच्छी तरह से फ्राई होने लगे तब इसकी फ्लेम को हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। फिर इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद बड़ों को हम निकाल लेंगे। हमें बड़ों का रंग इतना ही चाहिए। बड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे अब हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। यह आप टिश्यू पेपर में नहीं भी निकालें तो भी चलेगा। अब इसे एक प्लेट पे निकाल लें। आप देख रहे हैं कि कितने हल्के और कितने अच्छे रंग के हमारे बड़े तैयार हुए हैं। बड़ों को हम डालेंगे नमक वाले पानी पर। एक एक करके सभी बड़ों को हम पानी में डाल देंगे 1/2 घंटे के लिए। आपको जितने बड़े सर्व करने हैं उतने बड़ों को आप पानी में डाल सकते हैं। बाकी को आप एयर टाइट कंटेनर पर, डीप फ्रीज़र पर रख दें। 1 महीने के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। बचे हुए बैटर पे मैं यहाँ पे डालूँगी किशमिश और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। इससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है, मुझे ये डालना बहुत पसंद है। मैं ये सिर्फ अपने लिए बनाती हूँ। बैटर में अच्छी तरह से किशमिश और कस्तूरी मेथी को फेंटने के बाद इसे मैं बड़ों का शेप देकर, कस्तूरी मेथी और किशमिश से भी बहुत अच्छा स्वाद आता है, इसे आप ज़रूर डाल के ट्राई करें।
जब आप इसे खाते हैं तो मुंह में एक छोटा और मीठा सा बाइट आपको अच्छा स्वाद देता है। मैंने पूरी दाल के बैटर से बड़े तैयार कर लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रहे हमारे बहुत ही खूबसूरत और नरम दही के बड़े। अब हम बनाएंगे दही। दही में हम डालेंगे पिसा हुआ चीनी 2 से 3 बड़े चम्मच। इसे हमें हल्का सा मीठा करना है। यदि आपका दही खट्टा हो तो आप उसे उसका पानी निचोड़ कर एक कपड़े में उसे चक्का जैसे बनाकर फिर इस्तेमाल करें। दही और चीनी को मिक्सर में नहीं घुमाएं, नहीं तो दही पानी छोड़ देगा। दही में हल्का सा मीठा स्वाद बहुत अच्छा लगता है, इसलिए चीनी ज़रूर मिलाएं। दही को हमने तैयार कर लिया है। अब आता है दही भल्ले या दही बड़े बनाने का समय। हमने एक बड़ा बाउल लिया है। आप एक बाउल, कटोरी या फिर आप ग्लास भी यूज कर सकते हैं दही बड़े को सर्व करने के लिए। हमने भींगे हुए बड़े को हल्का सा स्क्वीज करके हल्का सा पानी निचोड़ते हुए बड़ों को बाउल में रख लिया है। आपको पूरा पानी नहीं निचोड़ना है। बड़ों को हम बाउल में डाल देंगे, उसके ऊपर हम दही डालेंगे। बड़ों में दही हम बड़ों को डूबने जितना दही डालेंगे और इस पे हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच हरा धनिया का चटनी। अच्छी तरह से हम चटनी डालेंगे, डेकोरेट करेंगे और इस पे हम डालेंगे इमली और गुड़ की चटनी। आप यहाँ पे इमली गुड़ या इमली खजूर की चटनी डाल सकते किसी भी हैं। प्रकार के चाट पे जब हरा धनिया वाला चटनी और साथ में मीठी चटनी पड़ता है तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। यहाँ हमने खजूर और हरी धनिया की चटनी डाल दी है। अब इस पे हम डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और डालेंगे साथ में काला नमक। यहाँ मैंने पर्याप्त मात्रा पे अपने दही बड़ों पर बैटर पे हरा मिर्च डाला था और साथ में चटनी में भी हरा मिर्च है। यदि आपको पसंद हो तो आप इस पे ऊपर से लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। दही बड़े तैयार हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।